मुश्किलें कि आप सलमान लगाएंगे रोमांटिक मूवीज पर फुल स्टॉप। सलमान को क्यों आया सेट पर गुस्सा? वांटेड मूवी की एक्ट्रेस आयशा टाकिया थी और अब तो आयशा ने बॉलीवुड छोड़ दिया है। आपको बता दें उनके अचीवमेंट शॉर्ट पीरियड में कोई कम नहीं है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड, कई सारे अवार्ड मिले हैं आयशा को। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब वांटेड मूवी शूट हो रही थी आयशा ने ऐसी शर्त रखी सलमान के सामने कि कोई यकीन नहीं मान पाएगा। आपको बता रही आयशा थाकिया ने सलमान से कहा था अगर वो उनकी मूवी में काम करेंगी तो आयशा को सलमान के बीइंग ह्यूमन का ब्रांड अम्बेसडर सलमान बनाए। आपको एक और बात बता रही, आयशा ने 2009 में लास्ट मूवी वांटेड की थी, उसके बाद उन्होंने कोई मूवी नहीं की और आयशा चाहती थी कि मूवी इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो कुछ करे, इसलिए उन्होंने सलमान के सामने रख दी थी ये शर्त कि वो बीइंग ह्यूमन की ब्रांड अम्बेसडर बनना चाहती थी। सलमान ने आयशा थाकिया को कहा तो कर दी थी, लेकिन फिर सलमान ने असिस्टेंट ब्रांड अम्बेसडर बनने की शर्त, लेकिन फिर जैसे ही वांटेड मूवी रिलीज हुई आयशा ने कर दिया था बैकअप। आपको बता दें शूट के बीच में काफी सारी अफवाह हुई थी सलमान और आयशा के रिलेशनशिप के बारे में, पर सलमान आयशा के क्लोज रहने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। जैसे कि वांटेड मूवी के सॉन्ग के एल्बम 49 मिनट की थी और मूवी में डांस कोरियोग्राफ करते समय भी आई थी काफी तकलीफें। वांटेड मूवी के डांस कोरियोग्राफर प्रभु देव और गणेश आचार्य थे। आपको बता दें मूवी के सॉन्ग ऐसे थे जिनके स्टेप्स को अच्छे से जोड़ना काफी नामुमकिन था। गणेश आचार्य ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वांटेड के सॉन्ग काफी अच्छे हैं, लेकिन वांटेड के सॉन्ग्स को मैच करना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग सा हो गया था। गणेश ने और कहा कि स्टेप्स ढूंढने में उन्हें काफी दिन लग गए थे, लेकिन अगर वांटेड 2 की बात करें तो वांटेड 2 के भी डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और प्रभु देवा होने वाले हैं। इस बार वांटेड 2 के डांस कोरियोग्राफी ने जम के तैयारी की है, उन्होंने अभी से ही डांस कोरियोग्राफ करना स्टार्ट कर लिया है ताकि मूवी शूट करते टाइम उन्हें डांस कोरियोग्राफ करने में टाइम नहीं गंवाना पड़े। जैसे कि आपको पता है सलमान काफी कम रोमांटिक मूवी करते हैं और जो वो थोड़ा बहुत भी रोमांस अपनी मूवीज में रखते हैं उसका भी वो बोलने वाले हैं दी एंड। सलमान को वांटेड 2 को एकदम नॉन रोमांटिक मूवी रखेंगे। इसके पीछे की वजह ये है कि जब सलमान वांटेड मूवी शूट कर रहे थे और जब रोमांटिक सीन जो लिफ्ट वाला था उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी वो सीन शूट करने में, वो नहीं जाना चाहते थे किसी भी हीरोइन के क्लोज, और इस बीच जब कैमरामैन को शूट करने में ज्यादा टाइम लग रहा था अनकंफर्टेबल होने के कारण सलमान ने जमकर झाड़ा।